आप देख रहे हैं दखल न्यूज। धारदार हथियार से हमला कर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन लुटेरों को सीहोर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों ने पिछले कुछ दिनों में इलाके में आतंक मचा रखा था। कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिनों से मोबाइल छीनकर भागने की घटनाएं पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनी हुई थी। पुलिस कुछ कर पाती कि इन लुटेरों ने देवेंद्र लोधी और प्रदीप लोधी को जहांगीरापुरा हाईवे जोड़ के पास धारदार हथियार से हमला कर 1700 रुपये लूट लिए। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र लोधी जो नयापुरा के रहने वाले हैं, वो अपने एक रिश्तेदार के साथ अपने घर जा रहे थे परसों, तो रास्ते में तीन लोगों ने जो दो मोटरसाइकिल पे थे उनको रोक के पैसे वैसे छिनाए। कुछ लोग उनके चिल्लाने पे आ गए तो वो एक मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए थे। उस मोटरसाइकिल के आधार पर तीन लोगों को ट्रेस करने के बाद में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने एक और मोबाइल लूटने की वारदात भी कबूल की है। उनके पास कुछ 8-9 मोबाइल और जब्त हुए जिनके बारे में पुलिस जाँच कर रही है। इन लुटेरों के पास से 10 महंगे मोबाइल, धारदार हथियार जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल मालवीय, राहुल लोधी और आदित्य पंथीर है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।